हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 25 जीके के क्वेश्चंस। और इसको कराने से पहले आपको एक जानकारी देनी है, एक सूचना देनी है। सूचना ये देनी है कि YouTube की तरफ से एक प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम केवल हमारे साथ नहीं है, YouTube पर मौजूद सभी चैनल के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पाता कि हमने वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। तो आप इसी का ध्यान रखें, हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कम से कम 3 वीडियो हमारी अपलोड हो रही हैं। तो मैं उनकी टाइमिंग बता देता हूं। जो हमारी जीके की वीडियो होती है वो होती है 7:30 से 8 बजे के करीब अपलोड होती है। 7:30 से 8 बजे के करीब हमारी जीके की वीडियो अपलोड होती है। 12:30 से 12:30 बजे के करीब हमारी इंग्लिश की वीडियो अपलोड होती है, ठीक। और शाम को 6 बजे के बाद 6:30 7 बजे तक हमारी मैथ्स की वीडियो अपलोड होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना आ रहा हो और आप हमारी वीडियो को देखने से वंचित रह जा रहे हो। तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हमारी वीडियो को सर्च कर लीजिए। क्या करना होगा कि YouTube की आप सर्च बार में जाइए, ठीक है, और YouTube जैसी ऐप ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो वहां पर ऊपर गुरुकुल हब डाल दीजिए। और गुरुकुल हब डालते ही सबसे ऊपर हमारे चैनल का आइकन आएगा जिसमें मेरी खुद की फोटो लगी हुई है, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही आपको लेटेस्ट वाली सारी वीडियो नजर आ जाएंगे नीचे, ठीक। वो स्लाइड टाइप में होंगी, आप उसको स्लाइड में देख सकते हैं आगे कौन कौन सी वीडियो है। तो उसमें घंटे के हिसाब से ये 2 आवर्स आएगो 3 आवर्स आएगो इस टाइप से वहां पर टाइमिंग भी लिखी हुई होती है। तो वो आपकी आप देख सकते हैं, वो सभी हमारे डे वाइज लेटेस्ट वीडियो होंगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू जारी कर रहे हैं, और जिसमें मैं लगातार आपको प्रीवियस SSC के एग्जाम, SSC CGL CHSL, CPO, MTS के एग्जाम में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डेली बेसिस में हम आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करके चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि SSC की एक टेंडेंसी रही है, लगातार रही है, कि वो कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि अभी तक जितने भी SSC के एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इन वीडियो के जरिए आप तक उपलब्ध करा सकूं, ठीक है गाइस। और साथ ही SSC के साथ साथ ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, UPSI का एग्जाम हो, MP पटवारी का एग्जाम हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। विजय केलकर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी वो थी कर सुधारों से ही संबंधित थी विजय केलकर समिति की रिपोर्ट। नेक्स्ट है मोलोटोव कॉकटेल है एक ग्रेनेड है मोलोटोव कॉकटेल। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? बज एल्ड्रिन पहले थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे बज एल्ड्रिन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो उसमें ईंधन यूज होता है यूरेनियम, ठीक है। गिर वन किसके लिए फेमस है? सिंह सेंचुरी के लिए, शेर ज्यादा पाए जाते हैं गिर वन में। फिर है कि श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह संविधान संशोधन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। ICI नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ICI नाम जुड़ा हुआ है रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। उत्तरी भारत में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना
क्या कहलाता है? ग्रीन बैंकिंग। इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाता है, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना क्या कहलाता है? ग्रीन बैंकिंग। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1961 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। टिटनेस रोग का कारण होता है क्लॉस्ट्रिडियम। टिटनेस रोग क्लॉस्ट्रिडियम के कारण होता है। विटामिन ई, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं यहां पर ये, ठीक। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? अंडाशय। पक्षियों में एक ही अंडाशय पाया जाता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वह होती है 4%। हम जो सांस छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होती है लगभग 4%। किसी वृक्ष की वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? अगर उसकी सभी पत्तियों का नाश कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा हानि वृक्ष को तभी होगी। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? वह होती हैं पार्श्व भाग में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में। बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, ठीक। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं तो वह होते हैं उभयचर, उभयचर एम्फीबियंस, जो जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए किस परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है धारिता का। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए किस परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? धारिता। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं क्या? द्विफोकसी लेंस। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होते हैं? द्विफोकसी लेंस। फिर है कि बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहां गिरेगी? बालक के हाथ में, क्योंकि कोई भी व्हीकल होता है तो उसके साथ उसके अंदर मौजूद हवा भी गतिमान होती है, यानी कि अगर वो कार चल रही है तो उसके अंदर जो हवा है वो भी उसके साथ चल रही है, तो बॉल बालक के हाथ में ही गिरेगी, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो के ये हो गए हैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।